हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली नगर परिषद कर्मचारी मिला कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन के लिए नगर परिषद कार्यालय हुआ बंद। कर्मचारी घर बैठे देखेंगे ऑफिस का काम, पूरे कार्यालय को किया सैनिटाइज। पाली नगर परिषद कार्यालय में सोमवार शाम नगर परिषद कर्मचारी पॉजिटिव मिलने के साथ ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आयुक्त के निर्देशन पर 2 दिन का अवकाश रखा गया और पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया ताकि जब भी कार्यालय खुले कोई और इसकी चपेट में न आए। नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य का कहना है कि नगर परिषद कर्मचारी जो कल रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था, चिकित्सा विभाग द्वारा उसे उपचार के लिए क्वारंटाइन सेंटर लेकर गए। हालात देखते हुए 2 दिन के लिए कार्यालय को बंद रखा गया। कर्मचारी अपने घर बैठकर ऑफिस का कार्य देखेंगे, साथ ही जब कार्यालय खुले तो इस बीमारी से दूर रखने के लिए पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। मेरी जनता से अपील है कि आप बिना आवश्यक घर से बाहर ना निकले, समय समय पर मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आशुतोष आचार्य नगर परिषद आयुक्त, इन्होंने ये कहा। कल जो COVID-19 पॉजिटिव की लिस्ट आई थी उसमें एक नगर परिषद के लिपिक हैं, कनिष्ठ लिपिक सुरेश बोएट, तो कल उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो चूंकि वो कनिष्ठ लिपिक है, नगर परिषद में उन्होंने काम किया और सभी कर्मचारियों के साथ में रहे। इसके अलावा आमजन का प्रतिदिन यहाँ पे आना जाना रहता है, तो संक्रमण फैलने की संभावना है। तो संक्रमण ना फैले इसके लिए नगर परिषद कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम अपने घर से नगर परिषद का कार्य संपादित करेंगे। इसके अलावा जो आपातकालीन सेवाएं हैं, साफ सफाई है, रोड लाइट है, फायर सर्विस है, ये सेवाएं चालू रहेगी और 2 दिन तक जो नगर परिषद कार्यालय है इस कार्यालय को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा ताकि 2 दिन के बाद में जब भी आमजन वगैरह आए तो कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी उससे संक्रमित ना हो। एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा 2 दिन को ऑफिस को बंद रखा गया है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।